चंडीगढ़ में बुढ़ापा पेंशन वितरण में घोटाला हुआ है, जिसमें आरटीआई के कार्यकर्ता राकेश बैंस ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले में आरटीआई कार्यकर्ता ने पेंशन वितरण घोटाले में सीबीआई को जांच सौंपने की मांग की थी। आपको बता दें कि हाई कोर्ट में 2017 के एक बुढ़ापा पेंशन भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई हुई, जिसमें हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी। सीबीआई को हाई कोर्ट ने 8 हफ्ते का समय दिया है, तो वहीं पेंशन वितरण अधिकारियों पर आरोप है कि सरपंचों और नगर पालिका के पार्षदों ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत कर ऐसे व्यक्तियों को पेंशन वितरण की जो स्वर्ग सिधार चुके थे। जो कि अंडर एज थे, कोई 40 साल का था, कोई 50 का था, उसको 60 का दिखा के जो है पेंशन लेते थे। दो तरह की कैटेगरीज थी, या फिर तीसरी कैटेगरी ये थी कि जिनको और सोर्सेज से गवर्नमेंट से पेंशन मिल रही थी ऑलरेडी, जो कि एलिजिबल नहीं थे इसको बुढ़ापा पेंशन लेने के, वो भी ले रहे थे। तो इस बारे में जो है पिटिशनर राकेश बैंस ने जो है ईडी को, सीबीआई को और हरियाणा गवर्नमेंट को लेटर लिखा कि भाई ये पूरे हरियाणा में स्कैम हुआ। इस बारे में आपको बताऊं कि सीएजी रिपोर्ट भी आई थी, कैग ने भी खासतौर से कहा कि ये बहुत बड़ा घोटाला है।